हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रितु की दुनिया। गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक न्यू रेसिपी, बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बर्फ़ी। ये वो बर्फ़ी है गाइज जो हलवाई शादी में बनाते हैं। ये बहुत ही नरम और एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी है। रेसिपी शुरू करने से पहले गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। गाइज, आप वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। ये मैंने कढ़ाई में 2 कटोरी बूरा डाली है। अब ये इसमें मैंने 1 कटोरी मावा डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे और गैस को ऑन कर लिया है। इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। इसको ऐसे चलाते रहेंगे। गाइज, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बनेगी, मुंह में घुल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसको ऐसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। ऐसे ऐसे साइड से चलाते रहेंगे ताकि ये बराबर में कहीं लगे ना, मतलब कि ना नीचे लगे कढ़ाई में, ना कढ़ाई के कोनों में लगे, नहीं तो जल जाएगी तो सारी बर्फी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ऐसे चलाते रहेंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा गोले का जो बारूदा होता ना, वो बारीक, वो डाल दिया है। अब इसको ऐसे अच्छे से चला लेंगे, ऐसे साइड में जो कोनों पे लग गया ना, इसको अच्छे से हटा लेंगे हम। ऐसे चलाते रहेंगे इसको, थोड़ा जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए ना, थोड़ा थिक सा ऐसा लगे कि जम जाएगा, तब हम इसको उतारेंगे। ऐसे अच्छे से हम इसको घोटते रहेंगे। अब ये इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे थोड़ा इलायची का फ्लेवर आएगा खाने में, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब ये देखो, इसको ऐसे अच्छे से चला लेंगे। अब ये होने लगा ना थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा थिक सा, तो इसको अच्छे से खूब चलाते रहेंगे। इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि ये चिपकता है उंगली पे या नहीं, जब ये थोड़ा ऐसे चिपकने लगे ना तब इसको हम उतार लेंगे। ये मैंने थाली ली है, इसमें मैं ये थोड़ा घी लगा रही हूँ ताकि इस पे नीचे ये चिपके ना। अब ये मैं इसमें से इस थाली में फैला लूँगी। इसको ऐसे अच्छे से बिल्कुल एक साथ थाली में फैला लेंगे। अब इसे फैला लिया मैंने, इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये ठंडा हो गया गाइज, उस पर मैंने ये ना ऊपर थोड़ा गोले का बारूदा डाल दिया था, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, ये अब ये ठंडा हो गया है तो हम इसको ऐसे चाकू से कट कर लेंगे। चाकोर में कट कर लें या त्रिकोने में कट कर लें, आप कैसे भी कट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये मैं ऐसे इसको कट कर रही हूँ, चाकोर में कट कर रही हूँ, मेरे को चाकोर अच्छा लगता है। ये देखो मैंने ऐसे कट कर लिए हैं। अब इसमें मैंने बादाम लगा रही हूँ, जो मैंने पीस कट करे उन पर बादाम लगा रही हूँ। इसको ऐसे अच्छे से थाली में रख लेंगे। गाइज, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कसम से बहुत अच्छी और डिलीशियस बर्फी बनके तैयार हो जाएगी।
मार्केट से लाना भूल जाओगे गाइज। इन बर्फी को घर पे बना के एक बार ट्राई करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें, और चैनल को गाइज सब्सक्राइब करें। आप सब वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखो ना कितनी अच्छी बनी है बर्फी, आ गया ना आप सबके मुंह में पानी। तो आप भी सब जाके जल्द से जल्दी वीडियो देखने के बाद सब घर पे बनाएं और मुझे कमेंट करें।